क्राउड ज़्यादा नहीं है बट मूवी ओके है। क्योंकि आमिर खान हमेशा जो है एक नए तरीके का फिल्म बनाते हैं और अलग ढंग से एक्टिंग करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। तो क्या फर्क पड़ता, सारी मूवी की अपनी स्टोरी होती है। आपको अच्छा लगा? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। चड्ढा सिंह का रोल सबसे बेस्ट लगा। लाल सिंह चड्ढा जी का जीवनी पर मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। जो उनके साथ हुआ वो दिखाया। अब अपनी अपनी सोच है, हर जगह हर पैटर्न को हर बहुत बढ़िया से दिखाया गया है। बोरिंग तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आमिर खान की मूवी कभी बोरिंग नहीं होती है। मूवी बढ़िया है और ये पहले जमाने के 90 के दशक का कुछ सीन इसमें बढ़िया इसमें ये किया है। बोर नहीं है, वो टेक्निकल मूवी है। हाँ, लोग बोर हो जाते हैं पर बहुत सारे लोग होंगे जिनको अच्छा लगेगा। नमस्कार, मैं हूँ अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, हम मौजूद हैं उन लोग के आगे जो कि लाल सिंह चड्ढा देख के आ रहे हैं और सब लोग अब शिकायत करते हैं कि बेकार मूवी है, अच्छा नहीं है। कैसा लगा आपको? नहीं, ओवरऑल ओके। ओवरऑल ओके है। रोल क्या, आमिर खान का रोल कैसा लगा? आमिर खान का रोल अच्छा है। और हॉल सुन रहे हैं कि बस 20-25 लोग आ रहे देखने के लिए। हाँ, क्राउड ज़्यादा नहीं है बट मूवी ओके। मूवी ओके ओके, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या अच्छा लगा? एक्टिंग, क्योंकि आमिर खान हमेशा जो है एक नए तरीके का फिल्म बनाते हैं और अलग ढंग से एक्टिंग करते हैं। ये फिल्म जो है पूरी फैमिली के लिए है, एक संदेश है कि अभी तो बहुत लोग बॉयकट कर रहे हैं कि आमिर खान ये फिल्म ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे बहुत मजा आया। मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा लगा। अच्छा लगा, इसमें आर्मी फैमिली से था वगैरह और क्या। बहुत लोग बुरा बोल रहे हैं मूवी को। मूवी में कुछ बुरा बोलने लायक तो नहीं है। एक्टिंग कैसा लगा करीना कपूर का? करीना कपूर का एक्टिंग थोड़ा भद्दा था। भद्दा था? आमिर खान का? आमिर खान का सही था। कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। दिल खुश हो गया। बहुत ही अच्छा मूवी था। लोगों को जो दिन नहीं देखे वो तो खुद से कुछ भी बोल सकते हैं बिना देखे। कैसे कुछ कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा था। क्राउड नहीं आ रहा है ऐसा लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि मूवी बहुत बकवास है, ऐसा कुछ नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल सही थी मूवी। रोल किसका ज्यादा अच्छा लगा? आमिर खान का। आमिर खान का। कितने लोग थे हॉल में? बहुत कम लोग थे लेकिन मूवी अच्छी थी। मूवी अच्छी थी। चलिए, बहुत लोग बॉयकॉट कर रहे हैं इस मूवी को, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं। हां, अच्छा एक्टिंग किया दोनों ने। हां, एक्टिंग अच्छी थी। स्टोरी कैसा? स्टोरी अच्छी थी। वहां पे मतलब माँ को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा था कि हाँ, वो अपनी माँ का बात ज़्यादा मान रहे थे। लोग बोलते हैं कि मूवी उतना अच्छा नहीं है क्योंकि फ्लैशबैक ही पे सारा चीज़ है। तो क्या फर्क पड़ता, सारी मूवी की अपनी स्टोरी होती है। आपको अच्छा लगा? हाँ। कितना स्टार दे देंगी? 5 में 4। 5 में। चलिए, जो लोग लाल सिंह चड्ढा देख के आ रहे हैं वो लोग थोड़े से निराश हैं क्योंकि हॉल जो है वो खाली है। कैसा लगा मूवी? मूवी बहुत अच्छी है। मूवी बहुत अच्छी है। रोल कैसा लगा? बहुत अच्छी। कैसा लगा सर मूवी? मूवी बहुत अच्छा लगा। चड्ढा सिंह का रोल सबसे बेस्ट लगा, बहुत अच्छा रोल रहा। बहुत अच्छा लगा। लोग बॉयकॉट कर रहे हैं इस मूवी को कि नहीं अच्छा है, नहीं अच्छा है, नहीं गलत है। लोग कह रहे हैं लेकिन हमको तो अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? कैसा लगा मैम? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। क्या सबसे अच्छा क्या बात लगा मूवी का? जीवनी है और क्या है, बहुत अच्छी है। लाल सिंह चड्ढा जी का जीवनी पर मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। जो उनके साथ हुआ वो दिखाया, वो दिखाया गया। कैसा रहा मूवी? मूवी ऑसम थी, बढ़िया थी। ऑसम थी। सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको? बेस्ट पार्ट उसका वो था जो मतलब वो आर्मी में जो था उसका, बहुत बढ़िया लगा। कुछ लोग आपको नहीं लग रहा कि बॉयकॉट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये अब उनका अपनी अपनी सोच है, हर जगह हर पैटर्न को हर बहुत बढ़िया से दिखाया गया है। इतने लोग रहते हैं मूवी हॉल में, लाल सिंह चड्ढा में कोई दिख ही नहीं रहा। नहीं, मॉर्निंग का शो है, अब संडे है तो वीकेंड में तो आदमी थोड़ा लेट से उठता है। लेट से उठता। मूवी बेस्ट है। हाँ, मूवी बढ़िया, मूवी बेस्ट है। चलिए, देखिए 2 मिनट का समय बस था। लाल सिंह चड्ढा के जो ऑडियंस थे, जो देखने आए थे, वो इस सीढ़ी से यहाँ से उतरे और 2 मिनट में ख़त्म, क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा भाई लाल सिंह चड्ढा देखने के लिए। लेकिन जितने लोग मूवी देखने गए थे उनका जो रिव्यू था वो आपने देख लिया। लेकिन देखिए, रक्षाबंधन एक साइड जो क्राउड है वो रक्षाबंधन का क्राउड है, तो रक्षाबंधन एक तरफ लोग देख रहे हैं और एक तरफ लाल सिंह चड्ढा देख रहे हैं। लाल सिंह चड्ढा को कितना बॉयकॉट किया जा रहा है, सब चीज़ किया जा रहा है। आमिर खान का मूवी आया, भीड़ है ही नहीं। कौन सा मूवी? लाल सिंह चड्ढा। लाल सिंह चड्ढा बढ़िया मूवी है। बढ़िया मूवी। हाँ, लोग क्यों ऐसा फिर बेकार बोल रहे हैं उसको? कोई बोल रहा भीड़ ही नहीं है। वो क्या करेगा, जिसको पसंद नहीं वो नहीं बोलेगा, जिसको पसंद है वो तो बोलेगा। हमको पसंद है, हम उनका फैन है। आमिर खान? हाँ, कुछ भी बनाएंगे देखेंगे। हाँ, कुछ भी बनाएंगे देखेंगे। हम भी आमिर खान के शुरू से फैन है। सही, अच्छा मूवी था। अच्छा मूवी था। हाँ, पहले जमाने का मतलब क्या मूवी में था ये थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं?
मूवी बढ़िया है और ये पहले ज़माने के 90 के दशक का कुछ सीन इसमें अच्छे बढ़िया इसमें ये किया है और एक फैमिली लाइक मूवी है, फैमिली टाइप का मूवी है, देख सकते हैं। आप भी देख रहे होंगे कि हर जगह बॉयकॉट लिख रहा है। हाँ। क्यों ऐसा मतलब कि आप मूवी देखें आप बताइए। नहीं ऐसा नहीं, ये तो लोग मूवी में जान क्या गंदा है, कुछ भी गंदा नहीं है ना, हिंदू मुस्लिम भी टाइप का कुछ नहीं है सीन इसमें और एक फैमिली लाइक मूवी है। फैमिली लाइक मूवी। हाँ। आपने लाल सिंह चड्ढा मूवी देखी जी? क्या बुरा है उसमें कि लोग बुरा तो कुछ भी नहीं, बुरा कुछ नहीं है, बट जैसे अलग अलग टाइप के लोग होते हैं आजकल ज़्यादा थरक वरक टाइप की मूवी नहीं है। तड़क भड़क नहीं है तो बोर हो गया? बोर नहीं है, वो टेक्निकल मूवी है। हाँ लोग बोर हो जाते हैं पर बहुत सारे लोग होंगे जिनको अच्छा लगेगा, बहुत सारे लोग होंगे जिनको अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा बिकॉज वो मैसेज। लेकिन वो क्राउड नहीं आ रहा है आमिर खान लाल सिंह चड्ढा के, वो तो मुझे पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। नहीं अभी तो मैंने नहीं देखा, मैंने सुना है उसे बायकॉट किया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, आप क्या सोच रही हैं इस मूवी से रिलेटेड? मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने तो अभी देखा नहीं बट ट्रेलर के अकॉर्डिंग जैसा कि लग रहा है तो कैसा लगा था? ट्रेलर उतना मुझे खास नहीं लगा, मुझे सही भी नहीं लगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ। बोरिंग टाइप लग रहा है? नहीं नहीं बोरिंग नहीं। आप क्या देखने आए? रक्षाबंधन? रक्षाबंधन आई हूँ बट फुल है, बहुत हाउसफुल है। यही अंतर है लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन के लिए। कल के लिए टिकट कर लियो, एडवांस टिकट कर लियो। आज नहीं मिला? नहीं आज नहीं मिला। क्राउड है रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा का। आप क्या देखने आए, रक्षाबंधन या रक्षाबंधन? लाल सिंह चड्ढा क्यों नहीं देख रहे? बस वही मन नहीं गया देखने का। लोग हाँ। बोल रहे हैं कि अच्छा मूवी है, कुछ लोग बोल रहे हैं अच्छा, कुछ लोग बहुत बेकार बोल रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो अपना अपना व्यू है सभी का, अपना अपना नजरिया होता है। आपका क्या नजरिया आमिर खान से रिलेटेड, मूवी से रिलेटेड? मूवी से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सही है, अगर आपको है इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ज़्यादातर मैं आपको क्या लगता है बोरिंग है कि? बोरिंग तो नहीं होना चाहिए क्योंकि आमिर खान की मूवी कभी बोरिंग नहीं होती है। कुछ लोगों का क्या कुछ कहना था वो आपने देख लिया। और लाल सिंह चड्ढा में भीड़ जीरो ही समझिए क्योंकि 20 लोग बस उस मूवी को देखने गए थे और जितने लोग देखे वो लोग ने रिव्यू दे ही दिया कि किसी ने बोला अच्छा है, किसी ने बोला बोरिंग है। तो मिला जुला के अब क्या कहें पता नहीं, लाल सिंह चड्ढा के बारे में लोगों का क्या रिव्यू था वो आपने देख लिया। तो बस आई सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद। क्राउड ज़्यादा नहीं है बट मूवी ओके। क्योंकि आमिर खान हमेशा जो है एक नए तरीके का फिल्म बनाते हैं और अलग ढंग से एक्टिंग करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। तो क्या फर्क पड़ता, सारी मूवी की अपनी स्टोरी होती है। आपको अच्छा लगा? हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, चड्ढा सिंह का रोल सबसे बेस्ट लगा। लाल सिंह चड्ढा जी का जीवनी पर मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, जो उनके साथ हुआ वो दिखाया। अब उनका अपनी अपनी सोच है, हर जगह हर पैटर्न को हर बहुत बढ़िया से दिखाया गया है। बोरिंग तो नहीं होना चाहिए क्योंकि आमिर खान की मूवी कभी बोरिंग नहीं होती है। मूवी बढ़िया है और ये पहले ज़माने के 90 के दशक का कुछ सीन इसमें अच्छे बढ़िया इसमें ये किया है। बोर नहीं है, वो टेक्निकल मूवी है। हाँ लोग बोर हो जाते हैं पर बहुत सारे लोग होंगे जिनको अच्छा लगेगा,